अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और हमारे साथ आपके दिन भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो जनाब, एक नए दिन के साथ हम आ गए हैं एक नया व्लॉग लेकर, और आज के व्लॉग में क्या इंटरेस्टिंग होगा, साथ रहिए और देखते रहिए। आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि आज मेरे भाई की बर्थडे है। तो भाईजान, हैप्पी बर्थडे टू यू, और साथ में भाभी की भी बर्थडे है। तो आप कहेंगे भाई और भाभी के एक ही दिन बर्थडे, तो यही है बस। तो भाईजान एंड भाभी, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाईजान एंड इकरा, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, और आप लोग बहुत सारी खुशियाँ आपके साथ रहें, और आप हमेशा ऐसे ही हम सब मिलके बस हमेशा खुश रहें। इमोशनल हो रही हूँ तो दुआएँ वो नहीं हो पा रही हैं। चलें जी, तो साथ रहें और इन्जॉय करें। और टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 1:30 से ऊपर चला गया है, बच्चों का पिकअप टाइम है, तो जल्दी से भागते हुए गाड़ी में बैठते हैं और फिर बच्चों को पिक कर आते हैं वापस। आ गई गाड़ी में बच्चों को लेने जाने के लिए, और मुझे ज्वाइन किया है रजा ने, या मैंने रजा को ज्वाइन किया गाड़ी में। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रजा आपके? तो बस फिर आ गया, तो बस क्या करूँ मैं इसकी, बस का मेरा ये वो हो गया है बात करने का ना, तो बस। हाँ तो बस मैं इस चीज़ को बहुत अवॉइड करना चाह रही हूँ। आपने मेरे पिछले ब्लॉग से पता नहीं नोट किया होगा कि नहीं, मैंने ये बहुत कम कर दिया था बोलना, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को बहुत वो करती हूँ, डेलिबरेटली वो कर रही हूँ, है ना। वो मुँह से निकल रहा है तो निकल रहा है, क्या कर सकते हैं, फोर्सफुली मैं अपने आप को रोक रही हूँ। तो इसलिए अब मैंने कहा कि अब निकलता है, तो बस ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रजा आपके क्या हुआ, शक्ल क्यों ट्रक आगे से मोड़ रहा है? स्कूल जा रहे हैं हम, स्कूल जाके देखते हैं आज क्या कारनामे हुए हैं स्कूल में। अस्सलाम वालेकुम जैन, अस्सलाम वालेकुम सर, यार क्या हुआ, इधर आओ, क्या हो गया, आप क्यों सैड हो, आप सो रहे हो, आप सैड हो, हाँ सैड हो, अस्सलाम वालेकुम जैदू बाबा, कम हियर, आई कैन नॉट सी यू जैदू। अच्छा जैदू, टेल मी वन थिंग, कम हियर जैदू, जैदू ने मुझे बोल दिया नो थैंक्स। आप अपना कैमरा अपने पास रखें, अपनी रिकॉर्डिंग अपने पास रखें, मैं आपको नहीं अभी मिलूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, यार आपने मिस को अल्लाह हाफिज़ नहीं किया इसलिए सैड हो रहे हो? यस। अच्छा मैं मिस मालिको को मैसेज करा दूँ और मिस मालिको को कॉल कर लें? अच्छा चलो ठीक है, आप हैप्पी हो गए मिस को मैसेज करके? हाँ आप हैप्पी हो गए सर, आप अस्सलाम वालेकुम सर, यार अच्छा पहले अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, आज स्कूल में क्या किया था, किससे खेल रहे थे, किससे, शेप से खेल रहे थे, क्या खेल रहे थे, शेप से, शीप से खेल रहे थे, शीप कहाँ गया स्कूल में, टॉय शीप था, टॉय शीप था, और क्या किया स्कूल में, कलरिंग की थी आज, नहीं और राइटिंग की थी, यस, और क्या किया था, नगेट्स भी खाया था, और क्या किया था स्कूल में, सैंड एरिया में खेला था, नहीं खेला था सैंड एरिया जी। जैद आप क्या कह रहे हैं, इधर आके बोलिए, इधर आओ, पहले आगे आके बोलो, अस्सलाम वालेकुम जैद,
नो मैंने गाने बंद किए, मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मुझे एहसास हुआ कि पीछे से म्यूजिक आ रहा है, तो मैंने कहा इससे पहले कि ऐसा ना हो कि म्यूजिक से हमें मसला हो जाए तो मैंने बंद किया। तो जब बंद किया तो आपने सुना जैदू ने क्या बोला, आवाज बढ़ाइए। जैदू क्या करे, आवाज बढ़ाइए। चलिए हम घर चलते हैं, बस ऑलमोस्ट घर के करीब ही है, घर पहुंच के फिर आप लोगों से मिलेंगे। घर जाके जब तक जैदू अपना म्यूजिक एंजॉय करे। मैं और जैद यहाँ बैठे हुए और हमारे कुरान क्लास हो गई। इसमें कब कम बिस्तर जो है ना वो ढेर बना हुआ है चीज़ों का, और जैन भी यहाँ पे बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, और जैद को जो है मैं होमवर्क करवा रही हूँ। सब जल्दी जल्दी इनको होमवर्क कराएं, सारा कुछ करें, फिर देखें कि क्या और प्लान्स हैं फर्दर। इतनी शदीद नींद आ रही है जैदू, यू डोंट हैव टू डू इट लाइक दिस, व्हाट डिड इट सेज, मतलब साथ साथ बात करना, कैन यू रीड द क्वेश्चन, साथ साथ बात करना और रिकॉर्ड करना बहुत हो जाता है। मैं इनको जल्दी से फारिग करवाऊँ। सो हाउ मैनी आर नाउ, नाउ हाउ मैनी कप्स आर देयर, काउंट देम, काउंट स्लोली, वन, फाइव, एंड यू हैव टू ड्रॉ वन मोर। नाउ हाउ मैनी कप्स आर देयर, नाउ काउंट देम, हाउ मैनी, हाउ मैनी फ्लैग्स आर देयर, येस दिस इज राइट, 1 2 3 4 5 6 7, यू हैव रिटन राइट, नाउ काउंट देम, हाउ मैनी आर देयर, ओके। जैदू व्हाट आर वी रीडिंग टुडे, वी आर रीडिंग माय मॉम, कैन यू रीड दिस, माय मॉम 48, कैन यू प्लीज बी लाउड, ब्यूटीफुल, is our teacher, very तो हमारी हो गई पढ़ाई वगैरह सब कंप्लीट, और साथ में हमारा अब मैच चल रहा है पाकिस्तान का आज अफगानिस्तान के साथ। जैसे कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, फ्राइडे को जब हम बैरियर टांग में थे तो पाकिस्तान और हांगकांग का मैच था, संडे को तो हमने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, बीच में थोड़े से दिन का वो हो गया था, तो संडे के ब्लॉग वाले दिन पाकिस्तान इंडिया का मैच था, तो सब बड़े हम टेंशन में थे। और वो पूरा मैच जो था जिस तरह से हमारा गुजरा था वो हमें ही पता है, मैं, रज़ा और जैन और नादिया हमारे साथ, ये तो छक्का पड़ गया, ओवर सिक्स पड़ गया हसनैन भाई को। तो बस फिर कल रात को मैं और रज़ा देख रहे थे इंडिया और श्रीलंका का मैच, क्या कमबैक किया श्रीलंका ने गेम में, हैट्स ऑफ टू देयर कैप्टन, जिस तरह से क्रीज पे डटे रहे, और लास्ट ओवर में तो जो था वो दो बॉलों पे दो रन चाहिए थे, किस तरह से वो किया, वे मतलब क्रिकेट हम लोग जो है ना वो काफ़ी शौकीन थे क्रिकेट के, और बीच में हमारा ब्रेक आ गया बहुत लंबा, उसकी वजह से थोड़ा सा वो हो गया, मगर अब वापस से हमने देखना शुरू किया है। ये देखें ज़रा, ओए फील्डर ने कोशिश तो की, जैन लैंग्वेज, बैक टू बैक हसनैन भाई को दो छक्के पड़ गए, दूसरा ओवर ख़त्म होने को आता है,
जितना पहला ओवर अच्छा कराया था नसीब शाह ने, उतना ही दूसरा ओवर में 12 रन बन गए। तो खैर ये तो होता है भाई, वो भी तो खेलने आए हैं अफगानिस्तान के प्लेयर्स। और इतना तेज ये आवाज़ है टीवी की कि मेरी आवाज़ शायद आप तक ना पहुंच रही हो। हम अपना मैच देखते हैं। जैन प्लीज उठ के बैठे हैं, अभी आपने खाना खाया है, थोड़ा अपनी कमर को उसमें लेकर आए। यहाँ बैठो, यहाँ तकियों से टेक नहीं लगा, अभी तुम्हारी उम्र नहीं आई है तकियों से टेक लगा के बैठने की। स्ट्रेट बैक, स्ट्रेट प्रॉपरली होके बैठो, सिट प्रॉपरली, हाँ प्रॉपरली होके बैठो। चलिए जी मैच देखते हैं, कंटिन्यू करते हैं और रखेंगे। ये क्या हुआ, मैच देखते हैं कंटिन्यू रखते हैं और साथ साथ आपको भी अपडेट करते रहेंगे चीज़ों पे। फिर रिकॉर्ड, ये पुरानी, डोंट टेल मी इट्स अ न्यू वन, नहीं नहीं पुराना आ रहा है। मेरा कोई दिल वो हो गया कि अभी तो दो छक्के पड़े थे, अब फिर वापस से दो छक्के बैक टू बैक आए, फिर मैंने देखा तो ये हाईलाइट्स आ रही थी। तो ऑल द बेस्ट, मे द बेस्ट टीम विंस। मैच देखने के दौरान रजा भी आ गए थे ऑफिस से। अस्सलाम वालेकुम रजा। वालेकुम अस्सलाम। तो बस वापस आ गया। मैच देखा हमने और चल ही रहा है मैच। अफगानिस्तान की बैटिंग इनिंग्स जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं और 130 का टारगेट मिला है पाकिस्तान को। और अभी हम देखना ही शुरू किया था, खाना वाना खा लिया था इस बीच में। अब ध्यान मैच में भी जा रहे थे तो मैं पॉज ले रही हूँ। इस बीच में हमने खाना पीना भी कर लिया अपना सारा कुछ है। पाकिस्तान जो है वो अब बैटिंग की तरफ आ गया है। आप भी कहेंगे ये हम मुझे जो है वो देखी भी, क्योंकि बाय द टाइम हम ये ब्लॉग देखेंगे मैच हो जाएगा ख़त्म और इंशाल्लाह 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 शायद पाकिस्तान ही ये मैच जीते। और तो आप कहेंगे हमें क्यों वो पुरानी बातें बता रही है। तो बस अब पाकिस्तान की पहली विकेट आउट हो गिर चुकी भी है। बाबर आजम जो है वो LBW है और जैन की शक्ल ऐसी। देन हाउ आर यू फीलिंग, यू आर फीलिंग गुड, योर फेवरेट बैट्समैन गॉट आउट आई गेस, डक आउट, डक पे आउट हुआ ना, जीरो बनाए ना, नहीं जीरो रन बनाए ना बाबर आजम ने, तो डक हुआ ना। You're happy. They are good days and they are bad days. It's all right. तो जी हकीकत की जिंदगी में भी they are good days and they are bad days. And you need to be all right in every situation. You should be fine and be happy like this. चलें जी फिर इसी नोट पे हम आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। बहुत छोटा व्लॉग आज का बना पर कोई बात नहीं, एक अच्छा तो बना। आपने देखा कि जैदू ने किस तरह से ज़बरदस्त तरीके से कॉम्प्रिहेंशन की है और जैन ने ज़बरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई की है। तो स्कूल खुल गए हैं तो थोड़ी पढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ तो करानी है ना भाई, पढ़ाई को भी तो फोकस रखना है, सिर्फ व्लॉगिंग को नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें याद रखिएगा। और वंस अगेन I know you people are doing that, but still, flood victims के लिए जो आपसे possible हो वो कर सकें। नए सुनने वालों के लिए ये है मैसेज। और इसके अलावा जो लोग जिन्होंने हमारे चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ और हमारे ब्लॉग्स भी देखते हैं इन्जॉय करते हैं, प्लीज़ आप चैनल सब्सक्राइब करिए ताकि आपके पास अपडेट हमारे ब्लॉग्स की फ़ौरन आए। तो अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में हमें याद रखिएगा। थैंक यू ऑल, thanks a lot for all your love and support. Take care of yourself and don't forget to like, share and subscribe our channel. Love you all. Allah Hafiz.